Hello children, in this video we will do a Python program to count the number of times a character appears in a given string using a dictionary. Okay, हम इस वीडियो में पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को एंटर करेंगे और फिर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी को काउंट करेंगे. मीन्स एक कैरेक्टर कितनी बार आया है स्ट्रिंग के अंदर, ये आप काउंट करोगे. और किसकी हेल्प से काउंट करोगे? डिक्शनरी की हेल्प से काउंट करोगे, राइट? तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल हैव टू डू, सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से स्ट्रिंग को एंटर कराना है. तो यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन को लिया है और इनपुट फंक्शन की हेल्प से हमने स्ट्रिंग को एंटर कराया, राइट? डेट विल बी स्टोर इन एसटीआर वेरिएबल. ओके, आपकी स्ट्रिंग कहाँ जाके स्टोर होगी? एसटीआर वेरिएबल में. नेक्स्ट आपने लिया है एक एम्प्टी डिक्शनरी को. फाइन, यू हैव टेकन वन एम्प्टी डिक्शनरी, राइट? नाउ हमारे पास स्ट्रिंग है, अब हमें क्या करना है, उसके कैरेक्टर्स को वन बाय वन एक्सेस करना है, राइट? स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है. ट्रेवर्स मीन्स स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को वन बाय वन एक्सेस करना है और काउंट करना है कि एक कैरेक्टर कितनी बार आया है. फाइन, तो ट्रेवर्स करने के लिए क्या आप यूज करोगे? आप लूप का यूज करोगे, राइट? तो यहाँ पे हमने फोर लूप का यूज किया है, फोर आई इन एस टी आर, राइट? आई वेरिएबल है जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को वन बाय वन एक्सेस करेगा. जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने स्ट्रिंग को एंटर कराया है पाइथन प्रोग्रामिंग. फाइन, तो i वेरिएबल क्या करेगा, सबसे पहले p को एक्सेस करेगा, देन y को एक्सेस करेगा, ऐसे करके टिल द लास्ट करेक्टर इट विल एक्सेस ऑल द करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, सो फर्स्ट इट विल एक्सेस द p. ओके, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, फर्स्ट आइटरेशन में पी को एक्सेस करेगा, फिर कंट्रोल इनसाइड द लूप जाएगा, लूप के अंदर जाएगा. लूप के अंदर हमने क्या किया, कंडीशन दे दी है, इफ आई इंडिक्ट. ओके, आई इंडिक्ट, आई में इस टाइम क्या है, पी. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दैट आई इन, इफ आई इंडिक्ट, अगर पी पहले से ही डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है, फाइन, तो उसकी वैल्यू में क्या हो जाए, वन एड हो जाए, राइट? डिक्ट आई प्लस इज इक्वल टू वन. ओके, डिक्ट आई मीन्स वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर की, राइट? यहाँ पे अभी की हमारी क्या है, पी. ओके, आई इज वॉट, दिस इज की, ठीक है? ओके, तो यहाँ प्लस वन हो जाए. और अगर पी पहले से प्रेजेंट नहीं है, एल्स, तो क्या हो, डिक्ट आई इज इक्वल टू वन, राइट? वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए. ओके, तो ऐसे क्या है, ये लूप चलेगा, जैसे फर्स्ट टाइम लूप चला, ओके ओके, देन सेकेंड टाइम लूप चलेगा, ये वाई पे जाएगा, वाई पे जाने के बाद फिर ये देखेगा कि वाई पहले से प्रेजेंट है, तो उसमें उसकी वैल्यू में, y की वैल्यू में एक और वन को ऐड कर दो. अदरवाइज अगर y फर्स्ट टाइम आया है तो y की वैल्यू कर दो वन. फाइन, y की वैल्यू कर दो वन, लाइक दिस. ओके, देन अगेन इट विल गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर. ओके, एंड इट विल जज, ओके, कि जो वैल्यू है, जो आई आई यहाँ पे अब क्या है, की है. ओके, आई हमारे यहाँ पे क्या, ई की है. फाइन, ओके, तो यहाँ पे फिर से जज करेगा, अगर टी है, टी टी की वैल्यू में डिक्ट आई क्या होता है, वैल्यू होती है, डिक्शनरी की वैल्यू होती है. फाइन, ये हम लोग पहले कर चुके हैं. फाइन, अगर आपको वैल्यू एक्सेस करने होता है तो आप क्या करते हो, डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट की. फाइन, तो अगर पहले से ही प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर करेक्टर, तो उसकी वैल्यू में वन एड हो जाएगा. और अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी वन. फाइन, तो देखो जब हम ये वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करेगी, तो देखो यहाँ पे पी दो बार आया तो टू हो गया. ओके, फर्स्ट टाइम ये वन होगा, फिर प्लस वन हो गया होगा तो टू, राइट? वाई वन टाइम, टी वन टाइम, एच वन टाइम, ओ टू टाइम्स, ओके, एन टू टाइम्स, ओके, लाइक दिस. तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ गई सारे करेक्टर्स की. फाइन, ओके, जब आई लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएगा जी, और उसको काउंट कर लेगा, ये क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा. फाइन, ये पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हमने क्या कमांड दे दी है, काउंट ऑफ ऑल करेक्टर्स इन एंटर स्ट्रिंग इज डिक्ट. फाइन, हमने क्या किया, डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया. पहले हमारी डिक्शनरी क्या थी, एम्प्टी थी. ओके, फिर हमने क्या किया, उसमें वैल्यूज हम इंसर्ट करते गए, वैल्यूज इंसर्ट करते गए, आई क्या बन गई, की, और वैल्यूज उसमें ऐड करते गए. अगर की वैल्यू हमने यहाँ पे दी है,
ठीक है, यू नो डैट राइट, यहाँ पे हमने दिए, तो हमने डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया, तो ये हमारी डिक्शनरी आ गई, जो क्या शो कर रही है, जो शो कर रही है स्ट्रिंग जो हमने एंटर कराई थी उसके करेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी। ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद आवर नेक्स्ट प्रोग्राम।